जनपद बरेली के थाना अलीगंज में पुलिस चेकिंग ने 75,000 रुपए पकड़े, जो कि आंवला के व्यापारी ने बताया। कहा कि कल पुलिस बैरियर के माध्यम से आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि चुनाव संबंधित सामग्री और रुपए अधिक होने पर चालान किया जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सचिन शर्मा की रिपोर्ट, मझगवा बरेली। गोंडा में धानेपुर बाजार के रामलीला मैदान स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर मंगलवार को भगवान बालाजी के हवनोत्सव व विशाल भंडारे एवं राति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बालाजी सेवा समिति द्वारा किया गया है। इस भंडारे में बालाजी के दरबार में हाजिर लगने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। सीतापुर में थाना रेवसा के अंतर्गत ग्राम सिमरन नगरउली में 20 वर्षीय विवाहिता की फांसी के फंदे से लटक कर मौत हो गई। मौत की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं रेवसा पुलिस घटनास्थल पर मौजूद रही। वहीं पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है। वहीं ससुराल वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। आप इसकी कहाँ हैं? क्या नाम था इसका? तुम्हारा क्या नाम है? गीता देवी। अच्छा अच्छा, कहाँ रहती हो आप? तो आपको कैसे पता लगा? अच्छा, क्या बताया था? फिर आप यहाँ आए तब क्या देखा? टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए विनोद सोनी की रिपोर्ट, सीतापुर। लखीमपुर खीरी में खुलेआम रिश्वत की धांधली का मामला प्रकाश में आया, जहां पर रमिया बैंड खीरी अस्पताल में एनएम रीना राय की तानाशाही के चलते गर्भवती महिलाओं के साथ अवैध वसूली की जाती है। आपको बता दें कि वहीं मरीजों से मारपीट भी होती है। ताजा मामला कंचनपुर निवासी ममता पत्नी अंकित प्रसव कराने के लिए सीएससी रमिया बेहन आई थी, जिसको प्रसव के दौरान उसके पेट पर मारा पीटा गया, जिसके बाद बच्चे की पेट में ही मृत्यु हो गई। तो वहीं दूसरा मामला, रमिया बेहन निवासी सीताराम चौहान अपनी पत्नी का प्रसव कराने गए थे। प्रसव के बाद उनसे 500 रुपए की मांग की गई। पैसे न देने पर जननी सुरक्षा का लाभ न दिलाने की भी धमकी दी गई। वहीं खुलेआम कहती है कि ये पैसा हम सीएमओ तक पहुंचाते हैं, जहां पर शिकायत करनी हो कर लीजिए, हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या नाम है आपका? ममता देवी। आप प्रसव का टाइम कहां गई थी? रमिया भैंड अस्पताल में। तो आपके साथ में वहां पर क्या व्यवहार किया गया? मुझे इस तरह से भाग पड़ा और इस तरह से सरूप किया और ऐसे से शब्द बोले, कहने लगी कि हमने कहा दर्द नहीं आ रही मैम, थोड़ा आराम करने दो। तो कहने लगी, हमने कहा हम मर जाएंगे ऐसे दर्द, बिना दर्द के आप कर रही हो ऐसा। तो कहने लगी, अगर तुम्हें दर्द नहीं आती तो 5 महीने बाद आई होती पहले, तो हम तुम्हारा सफाया कर देते और बहुत ये कर सकते। हमने ये सुनने को पाया है कि आपके मतलब थप्पड़ उप्पड़ भी मारे हैं। हाँ, बड़े बड़े नाखून थे, उन्होंने मास्क पहने थे और शरीर में हाथ लगाया, फिर हमने थोड़ी चीखने की आवाज की तो उन्होंने वही हाथ हमारे मुंह पर मार दिया और उसी टाइम हमारे चाप बंद हो गई और हमें बेहोश हो गए। तब से सुबह होश आया। आप भाई साहब इनके पति हो, आप इनके साथ में थे, आपने कुछ इनसे कहा मतलब स्टाफ से वहाँ पे? हमें नम दीदी से कहने लगे कि इस तरह से मतलब आपकी बस्ती बार नहीं हो तो हमको रिफर कीजिए, हम जिला अस्पताल ले जाएंगे मरीज को और जो हमारे समझ में आएगा वो करेंगे और आप यहाँ से रिफर कर दीजिए। तो कहने लगी है नॉर्मल डिलीवरी है, हो जाएगी। हेलो, टीवी वन इंडिया न्यूज़ से अमित अवस्थी की रिपोर्ट। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र रमिया भेड़ में जो कि कायदे से देख रेख भी नहीं की जा रही है और न ही उचित इलाज किया जा रहा है, और यहाँ पे मरीजों को दूसरी तरह से प्रभावित करके इलाज नहीं करते और भगा देते हैं। आपका भाई साहब और कुछ कहना है? जी, हमको कहना है फिर आधा घंटा डिलीवरी के टाइम से फिर हमको दोबारा बुलाया गया, कहने लगी कि इसका पति कौन है, यहाँ पर आए साइन करने के रे बहाने हमको अंदर ले जाया गया। फिर डिलीवरी रूम में हमसे कहने लगी मैडम कि आ गए हो तो इसके पैर पकड़ो और डिलीवरी कराओ। तुमसे कहा गया? जी, प्रसव रूम में। जी, अच्छा। हमसे कहने लगी तो हम कहा हमारा यहाँ क्या काम, हमारा तो कोई काम है नहीं यहाँ प्रसव का अंदर, हालांकि क्या कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते हो, जब करना नहीं आता तो ये सब क्यों करते हो। चलो ठीक, मतलब आप सब भी बोले आपसे। जी ठीक है, इनसे फिर टांग पकड़वाई के बाद 15 मिनट तक कहीं नहीं पकड़े, टांग पकड़े रहे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आखिरी दम तक स्वस्थ था, पर उन्होंने एनएम ने हाथ घुमा के
मास्क पहन के हाथ घुमा के आखिरी दम तक वो जीवित था। उसने हाथ घुमाया और गर्दन के हिसाब से उसका दम निकला है। वो आखिरी दम तक सांस था। उन्होंने इस तरह से अपना पैर हमारे से अपनी जांग हमारे पैर पे मार दी। इतनी मोटी थी तो उसका हम जोर यानी उसका वजन नहीं संभाल पाए और हम कह नहीं सकते। उसी में हम बेहोश हो गए। हमें पता ही नहीं चला आगे क्या हुआ क्या नहीं। इतना हमारी बुरी मारा पीटा और हमारे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आपके साथ में पूरी कार्रवाई होगी और उचित ढंग से होगी और आने वाले भविष्य में किसी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं होगा। पेड़ उधर देखें तो आप खुद जानेंगे। टीवी वन इंडिया से अमित अवस्थी की रिपोर्ट। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट लखीमपुर खेरी। नलपत गोंडा में मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को मोटरसाइकिल सहित छपिया पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गोंडा में प्रभारी निरीक्षक श्याम बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी मनकापुर के कुशल निर्देशन में चोरी जैसे संगीन अपराध को अंजाम देने वाले अभियुक्त को छपिया पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। मामला 24 मार्च का है जहां पर रेलवे स्टेशन बमनान के पास से अपाचे गाड़ी सफेद रंग की चोरी हो गई थी जिसका नंबर UP 42 AE 1281 है। मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा प्रभाकर तिवारी निवासी कमरपुर बखारवा थाना छपिया जनपद गोंडा में मुकदमा आधार संख्या 98/19 धारा 379 भादवी बनाव अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। वहीं उपरोक्त मोटरसाइकिल अपाचे की याद दिनांक 4 अप्रैल को बमनान के पास से बृहत गांव बमनी शराब फैक्ट्री के मोड़ पर चेकिंग के दौरान अभियुक्त शुभम सिंह पुत्र भानु सिंह निवासी ताबेपुर थाना छपिया जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। वहीं अपराधी ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के स्थान पर दूसरी नंबर प्लेट लगाकर उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर UP 53 BL 2291 लिखकर चला रहा था जिसका रजिस्ट्रेशन संजय कुमार के नाम से हीरो मोटरसाइकिल जनपद गोरखपुर के RTO में 10/2/2014 को रजिस्टर्ड है। वहीं अभियुक्त को कई धाराओं के साथ न्यायालय में भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक प्रभारी छपिया श्याम बहादुर सिंह, चौकी प्रभारी बमनान, उप निरीक्षक राजकुमार सिंह, उप निरीक्षक कामेश्वर राय, कांस्टेबल धर्मवीर यादव, कांस्टेबल चेतन पांडे, कांस्टेबल अखिलेश राव की अहम भूमिका रही है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुनील वर्मा की रिपोर्ट गोंडा।